निगरानी चैनल की तरफ से भरत का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी चले, आज खाने के साथ मैं थोड़ी सी एक साइड डिश बनाने जा रही थी जो कि है ऑरेंज चिकन, और उसके साथ मैं स्टर फ्राई जो है वो कैबेज और ग्रीन बीन्स करूँगी, तो वो भी हम देखते हैं। पहले हम चलेंगे ऑरेंज चिकन की तरफ। ये बड़ा रिकमेंड किया था मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर है, बड़ी बेटी की बेटी, तो मैंने कहा कि चले मैं भी इसको ट्राई करती हूँ। तो तकरीबन 150 से 200 ग्राम के करीब हमारे पास चिकन है, जिसको हम एक एग लेंगे और इसको एग मिक्स कर देंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। इसके साथ साथ मैंने ये जो 2 टेबलस्पून लिया है अपना कॉर्नफ्लोर और 2 ही टेबलस्पून लिया है मैदा, इसके साथ मैंने 1/4 टीस्पून लिया है काली मिर्च, उसके साथ थोड़ा सा नमक लिया है। इसको मैं मिला दूंगी अच्छी तरह चारों चीज़ों को। ऑरेंज जूस है मेरे पास जो कि है 1/2 कप, जितना यूज़ करना होगा मैं करूँगी। अभी मैं इसको वैसे घोल बना के रख लूँगी ताकि फिर जितना मुझे यूज़ करना पड़ेगा वो मैं करती जाऊँगी। इसके अंदर हम डालेंगे सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल में आप अंदाजे से डालना है, जितना आपके पास चिकन में चिकन बढ़ता जाएगा तो आप इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ाते जाएं। इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून जो है वो डालूंगी क्योंकि इसका काफ़ी फ्लेवर आ जाता है। ये देखिए ये डाल दिया। इसके साथ ही फिर मैं सिरका डालूंगी इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून, देखिएगा 1 टीस्पून। इसके साथ ही जो सोया सॉस है वो मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, इसलिए पहले आप मैदे के अंदर नमक ज़्यादा शामिल ना कीजिएगा क्योंकि सोया सॉस में भी होता है नमक। इसके साथ हम इसके अंदर हसबे जायका थोड़ी सी ब्राउन शुगर हो, मेरे पास इस वक्त ब्राउन शुगर थी, या फिर आपके पास रेगुलर जो शुगर है वो डालें। मैं भर के 1 चम्मच शुगर का डाल दूँ, ये देखिएगा। अब इसको हम यहाँ पर रख देंगे। और इसके साथ इसके अंदर हमने डालना है अनियन पाउडर हो अगर, और अगर अनियन पाउडर ना हो तो थोड़ा सा अनियन जो है उसको कूट के उसका ज़रा पानी से निचोड़ के वो डाल दीजिएगा। ये मेरे पास अनियन पाउडर था इस वक्त चूँकि, तो मैं देखिएगा 1/4 से भी कम टीस्पून डाल रही हूँ इसके अंदर। और 1 लहसुन का बड़ा जबा मैंने लिया था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको हम मिला के रख लेते हैं। इधर हमने ये अपना जो कॉर्नफ्लोर और मैदा था वो भी मिला के रख लिया है। इस जो मिला हुआ अब ये कॉर्नफ्लोर और मैदा है, इसके अंदर हम ये अंडे और जो हमारे पास चिकन है इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर पूरे को कोट करेंगे। अच्छा सा कोट करना है ताकि फिर फ्राई होते हुए अच्छा क्रिस्पी हो। तो चलो मैं इसके अंदर रखी जाती हूँ। सारा डाल लीजिएगा फिर अच्छी तरह से हम इसको कोट कर लेंगे। कोट कर देंगे, नींद आई मैं इसके ऊपर पहले तेल रखी ताकि हम उसके अंदर इसकी फ्राइंग भी शुरू कर देंगे साथ साथ। और ये जो है 2 टेबलस्पून भर के जो मैंने लिए हैं ये बिल्कुल ठीक है इतने चिकन के लिए। इसके साथ हमने 1 टेबलस्पून लिया है कॉर्नफ्लोर का, उसको मैं घोल के थोड़े से पानी में रख लूँगी ताकि जब हम ये सॉस तैयार करेंगे इसकी तो उसके अंदर हम फिर इसको थोड़ा चिकनिंग के लिए डालेंगे, उसके साथ उसकी अच्छी सी एक शाइन भी आ जाती है। तेल हमारा गर्म हो गया, हमें इसकी आँच थोड़ी सी कम कर दी ताकि ये पक जाए और थोड़ा क्रिस्पी भी रहे। देखिएगा एक तरफ से ये गोल्डन हो गई है, दूसरी तरफ से जिस तरह होगी तो हम इसको निकाल देंगे और फिर दूसरा बैच डाल देंगे। हमने पहला बैच जो है वो निकाल लिया है बैच के ऊपर, अब मैंने दूसरा बैच जो है वो डाल दिया है। ये देखिएगा हमारा दूसरा बैच तैयार हो रहा है, पहला जो है वो मैंने निकाल के रख लिया है।
तो ये जो छोटा ड्राइवर हम निकाल के अपनी सॉस बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी हमारा जो बैच है ये हो गया है, इसको मैं निकालने लगी हूँ और मैं इसकी जगह पे दूसरा पैन रखने लगी हूँ जिसके अंदर हम सॉस बनाएंगे इसकी। तो ये गर्म हो गया हमारा पैन। अब इसके अंदर हम जो मिक्सचर बना के रखा हुआ था हमने अपना ऑरेंज जूस का, वो हम डाल रहे हैं। मैं पूरा ही जूस कर रही हूँ इस वक्त, आधा कप था ये जूस का। तो देखिएगा कि ये हमारे चिकन के लिए बिल्कुल ठीक है। बस इसमें उबाल आने लगेगा तो हम एक आध मिनट पका के फिर हम ये जो अपना कॉर्नफ्लोर हमने घोल के रखा हुआ ये डालेंगे और थोड़ा सा उसको मिक्स करके हम अपनी चिकन डाल देंगे इसके अंदर। दूसरे चूल्हे के ऊपर ये फ्राइंग पैन जो पहले हमने फ्राई किया है मैं रखूँगी और इसको हम डबल फ्राई करेंगे इसमें डालने से पहले, तो उससे चिकन जो है थोड़ा क्रिस्पी रहता है। चीनी जो है वो मैं थोड़ी सी और डालने लगी हूँ क्योंकि जब इसके अंदर चिकन जाएगा तो उसके मुताबिक होनी चाहिए। ये देखिएगा थोड़ी सी, इतनी सी तकरीबन एक टीस्पून समझ लें। चले अब ये उबाल आ गया है बड़ी अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके ये डालूंगी जितना हमने इसको रखना थिक। अभी मैंने आधा डाला इसमें। ये हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं चिकन डालने लगी हूँ दोबारा से ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो हम इसको फिर अपने मिक्सचर में ऐड कर देंगे। मैं आज इसको इतना ही रखने लगी हूँ, ये मैं नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि बिल्कुल वो ठीक है इस वक्त। तो आप इसका मतलब है कि हाफ टेबल स्पून जो था वो ठीक था हमारे लिए। हम साफ साफ इसमें डालने लगे। इस वक्त आप सॉस का जो जायका है वो चखिए, टेस्ट कीजिए इसको। और अगर आपको चाहिए और डालना, मैं इसके अंदर थोड़ा सा सिरका ऐड करने लगी हूँ और थोड़ा सा सोया सॉस और ऑरेंज जो जूस है वो उसका वैकअप भी बिल्कुल ठीक है कि हाफ टी स्पून देखिएगा। और ये तकरीबन वन टी स्पून जितना या वन एंड हाफ टी स्पून जितना मैंने सोया सॉस ऐड किया। अब ठीक है बिल्कुल। चलिए जी ये मैं एक साइड पे करती हूँ फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। लेकिन हम अब चलते हैं अपनी सब्जी की तरफ जो कि स्टर फ्राई हम बीन्स एंड कैबेज बनाएंगे। ये देखिएगा ये इतने मैं लहसुन लेने लगी हूँ, इसको चॉप करके मैं इसके अंदर डालती हूँ। बिल्कुल हल्का सा तेल लेंगे। ऑयल जो है ये मैं चिकन वाला ही लेने लगी हूँ तकरीबन, ये देखिएगा 2 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया है मैंने। ये मैंने लहसुन जो है चॉप किया है और मैं इसमें डाल रही हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिएगा बिल्कुल 2 टेबल स्पून जितना ऑयल है। वेजिटेबल देखिएगा ये लहसुन जो है वो कलर आ गया उसका। सबसे पहले मैं इसके अंदर बंद गोभी डालूँगी, ये मोटी मोटी चॉप कर लें। मैंने धोया इसको अच्छी तरह से, अब इसे तकरीबन हम 1 मिनट के लिए करेंगे फ्राई और उसके बाद हम दूसरी सब्जी में डालेंगे। दूसरी सब्जी में मेरे पास इस वक्त कॉर्न है और मेरे पास ग्रीन बीन्स हैं। इनको मैंने तकरीबन कुछ 4 मिनट के लिए ब्लांच कर लिया था उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक मिला के। सब्जियों को हमने क्रंची रखना है ताकि खाने में मज़ा दे। चले अब इसके अंदर हम अपनी ग्रीन बीन्स भी मिला देते हैं। इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून जितनी सोया सॉस
और बिल्कुल हल्का सा हम डालेंगे इसके अंदर विनेगर, मे बी हाफ टी स्पून, इसके अंदर मोटी मोटी सी चुटकी जो है वो नमक की डालें, और इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो अपने हिसाब से डालिएगा जितनी आपको पसंद हो। हल्की जो है इसके अंदर नमक मिर्च वो ज़्यादा अच्छी लगती है सब्जियों के अंदर, तो बस आप देख के डालिएगा जैसे आपको पसंद हो। जैसे क्लोज लुक जो है वो जैसी है, अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद नमक मिर्च डालना चाहते हैं वो देख लीजिएगा, ये बिल्कुल लाइट है, इस वक्त थोड़ा सा तो बहुत लाइट है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने ऑरेंज चिकन के साथ या किसी और चिकन के साथ अगर इसको कंबाइन करके खाना तो फिर ये बिल्कुल ठीक है। तो चले हम इनको डिश आउट करते हैं, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये हमारा जो ऑरेंज चिकन है विद स्टर फ्राई वेजिटेबल्स तैयार है, तो चले हम इंजॉय करते हैं इसको। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और आपको अच्छा लगेगा और लाइट है, तो चलें ज़रूर इसको एंजॉय करें और ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।